और किसकी मजाल दम्बरे सिफ्त रसूल की करे, जिस पर खुदा ने खुद कहा सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला जफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों तो मेरे इस्लामी भैन भराओ, अज तक मैं ऐसा वो वजीफा दस सकता जो तुम बार बार कहते बाबा जी साढ़े जिन ताबे हो जाने चाहिए आ, मखलूक ताबे होनी चाहिए है। अज दोस्तों तो बचो तुम मैं वो तरीका दस लगा, बिल्कुल इस तरीके करोगे तो हर मखलूक गैबी मखलूक ताडे कोल हाजिर होएगी जरूर। जो टाइम तुम दसागा उस टाइम तुम करो तो जरूर इंशाला आएगी। जिन्होंने जिन्ना देखने का शौक है ना, जिन्ना देखने का जिन्ना तुम आके कहे क्या हुक्म मेरे आका है भी तुम दसदा ठीक है। तो तुम करना बचो कि तहज्जुद की नमाज पढ़नी है लाजमी तुम दस। तहज्जुद सुबह पौने दो बजे उठना, कुछ पक्का टाइम रखना है सुबह पौने दो बजे। तहज्जुद सुबह पौने दो बजे उठना है, उस तो बाद पूरे पौने दो का टाइम रखना है। एक मिनट पहले आकर बह जाना उस मसले से, लेट नहीं होना तुम दसदा ठीक है। तो उस तो बाद बचो तुम मैं फिर एक चीज होर दसदा तुम यह बचो। एक बार फोन कराया करो, बार बार मैसेज ना कराया करो। एक बार तुम मैसेज करते हो तो मैं पता लग जाए तुम करते हो, तुम कोई इश्तगारा कराते हो तुम उस वक्त तुम जवाब मिल जाता ठीक है। तो इसलिए एक तो फोन कराया करो, एक बार वॉइस मैसेज कर दिया करो, तुम्हें वॉइस मैसेज कराया करो जो करो। तो जो कराना हो तस्वीर इश्तगारा तुम मैं क्या एक मिनट के जवाब मिलेगा दोबारा, एक मिनट या डेढ़ मिनट लगता पूरी दुनिया जितो मर्ज तुम करते हो तुम फोन लगा उस वक्त तुम जवाब मिल जाएगा ठीक है। चलो फिर हम मैं वजीफा दस लगा बच्चे सुबह पौने दो बजे उठना करना है, दो नफर नमाज पढ़नी करनी है इश्तगारा पढ़ के। उस तो बाद या हियो या कयूम, या हियो या कयूम जेड़ा तो बंदा आम दुनियादार बंदा है उन्होंने हर नमाज नाल एक सौ दफा पढ़नी चाहिए। एक सौ नाल पढ़ोगे ताड़ी हर मुश्किल दूर होएगी, हर परेशानी दूर होएगी। सिर्फ या हियो या कयूम पढ़ना एक सौ दफा पढ़नी हर नमाज नाल। जिन्हें जिन्नात तुम अपने ताबे करना चाहता है लिखना चाहता है वो दोस्तों पौने दो बजे उठे चार हज़ार दफा। एक हज़ार तस्वीर होनी चाहिए इंसान के कोल, हज़ार तस्वीर बना लो, पाँच सौ की बना लो, चार हज़ार दफा अगे पिछे दरूद शरीफ पढ़ के बह के पौने दो बजे टाइम याद कर लो। पौने दो का टाइम सुबह का तहज्जुद दो नफल पढ़ने ने, उस तो बाद चार हज़ार दफा या हियो या कयूम या हियो या कयूम चंद दिनों के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਸਵੀ ਕੱਢੀ ਯਾ ਹਯੋ ਯਾ ਕਯੂਮ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੌ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਾ ਹਯੋ ਯਾ ਕਯੂਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮਤ ਆਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਯਾ ਹਯੋ ਯਾ ਕਯੂਮ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਮੈਂ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਬਿਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਬਿਆ। ਲੋ ਬੱਚੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰੂਸ਼ ਸੁਬਹ ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਜੇ ਪੱਕਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੌ ਦਫ਼ਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਯਾ ਹਯੋ ਯਾ ਕਯੂਮ ਯਾ ਹਯੋ ਯਾ ਕਯੂਮ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਆਪ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਲੋ ਫਿਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਸਵੀਰ ਸਤਗਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਲੋ ਫਿਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।